हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बात करने वाला हूँ रेडमी नोट 9 प्रो में किस तरीके से आप अपना कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में यही बात करने वाला हूँ। तो इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो इस वीडियो के अंदर यही बात करने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा डायल पैड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं डायल पैड के अंदर आ चुका हूँ। उसके बाद आपको कोई से भी रैंडमली नंबर आपको उठा लेना है। फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर केयर का नंबर ले लेता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने नंबर ले लिया और यहाँ से वाईफाई कॉलिंग भी कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है। अब वाईफाई कॉलिंग से रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आप लोगों का रिप्लाई करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरा कनेक्ट हो रहा है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊँगा इसमें और भी कॉल को कैसे ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल कॉल, कॉन्फ्रेंस कॉल जिसे कहते हैं। तो मेरे पास है फ़िलहाल एयरटेल का, लेकिन यहाँ पे जियो लिखा आ रहा है क्योंकि यहाँ पे सेव हो रखा है जियो के नाम से। इससे पहले मेरा सिम था जियो का, तो यहाँ पे अभी तक एक बार और करता हूँ मैं, और फिर हम देखेंगे इस पर कॉल होता है या नहीं होता है। तो गाइस, अभी यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, इस वजह से ऐसा कुछ आ रहा है। रेडमी नोट 9 प्रो में। तो गाइस, आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।